बड़े बाबू बान सिंह क्यों तुम यहां कैसे और तुम्हें यहां पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बड़े बाबू, आपको यहां एकांतवास में रखकर भी आखिर यह हड़ताल हुई कैसे, यही सोच के वो बैरी हैरान है। उसने अपने सभी वार्डन और सिपाहियों को अपने कार्यालय में बुला लिया है, इसीलिए मैं यहां तक आ सका। बड़े बाबू नहीं कुछ नहीं, हम सब लोग ठीक हैं, बस बस आप अपना ख्याल रखिए। यही संदेशा देने के लिए मैं अपने साथियों की तरफ से आया था। चलता रुको भानसिंह, रुको, बैठो। क्या कहना चाहते हो? क्या बताऊं बड़े बाबू, अब और नहीं सहा जाता ये सब, सच में हार गया हूं मैं। बड़े बाबू हमें 8 दिन हुए ये हड़ताल किए, हम लोगों ने हड़ताल की तो हम लोगों का खाना बंद किया इन लोगों ने, हम ऐसे भूखे भी मरेंगे तो भी उस बैरी को क्या फर्क पड़ेगा। अब निराश हो गया हूं मैं, आठ दिनों पहले की बात है, हम लोग खाना खाने बैठे थे तब उस चन्ने की अम्बू की थाली में चिपकली थी, उसे अन्न बाधा हुई और भीषण सिंह के बारे में तो आप जानते ही हो, बड़े बाबू उसे दस्त हो रहे थे फिर भी कोलू से जोता उसे, ऐसी अवस्था में किसका नियंत्रण होता है बड़े बाबू बताइए ना, किसका नियंत्रण होता है? उसे दस्त हुए कोलू चलाते वक्त वो जमीन खराब हुई तो उसे जबरदस्ती जीप से साफ करवाई। ऐसे घिनौने अत्याचार के बाद कौन जीना चाहेगा? उस अत्याचारी बहनी के इशारों पे खिलौनों की तरह खेलने में हम अपने जीवन का ऐसा कौन सा सार्थक कर रहे हैं बताइए ना, कौन सा सार्थक कर रहे हैं? सार्थक तो फिर किसमें है सार्थकता? मातृभूमि की सेवा में अगर सार्थकता नहीं तो किसमें है सार्थकता? घर संसार में, चूल्हा चौकी में, इस धरती तल पर पैदा हो जाओ, मां बाप के कंधों पर हंसकर खेलकर बड़े हो जाओ, फिर एक दिन अपने कंधों पर से मां बाप को शमशान पहुंचाओ, फिर बच्चों को कंधे पर लो और एक दिन उनके कंधे पर से खुद शमशान चले जाओ। क्यों, किस लिए? बानसिंह मनुष्य जन्म का सार्थक दूसरों के दुख हल्के करने में, जिस दिन ये बात तुम जान जाओगे ना उस दिन तुम समझोगे। बड़े बाबू मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं,
लेकिन यहाँ की यातना है, वेदना है, तो जीना मुश्किल कर देती है। परसों की ही बात है, उस महावीर सिंह ने गंदा खाना न खाने पर उसे कोड़े लगाने की सजा दी उस हरामी बैरी ने, वो भी भूखे पेट। ऊपर से हंसते हुए कहने लगा कि जब तक एक ही जगह से खून ना निकले तब तक उसी जगह पे कोड़े बरसाओ। उसकी सजा शुरू हुई तब मैं कोनू चला रहा था, उस दीवार की दरार से दिखाई दे रही थी हर एक कोड़े से बरसती खून की फुहारे और क्षीण होती जा रही वंदे मातरम वंदे मातरम ऐसी आवाज। और नहीं सहा जाता है सब। बस करो भान सिंह, बस करो। नहीं सहा कल मेरे सपने में हमारे गांव का एक ऊंचे शिखर का मंदिर आया। किसी ने मेरे हाथ में एक भगवा ध्वज थमा दिया और मुझे वो ध्वज मंदिर के ऊपर स्थित करने के लिए कहा। जैसे जैसे मैं वो शिखर चढ़ने लगा वैसे वैसे वो चित्र रक्त के लाल रंग में रंगने लगा। मंदिर में बज रही घंटाओं का सुमधुर नाद आक्रोश में बदल गया। उस वक्त मेरे भी दिल में तुम्हारे जैसे ही विचार आए कि यहां पर सर पटक कर जान दे तू बड़े बाबू। लेकिन उसी समय चारों ओर एक असामान्य प्रकाश फैल गया। सात शेरों के स्वर्णमयी रथ पर सवार अपनी भारत माता गगन में अवतरित हुई। उसने कहा मुझसे, पागल क्या कर रहे हो तुम? युद्ध बिना स्वतंत्रता किसे हासिल हुई? मानसिंह, हमारे रक्त से यहां पर शिलालेख गढ़े जाएंगे, हमारे आक्रोश की आरतियां होंगी, याद रखना। पर बड़े बाबू, हमारी यातना वेदना हमारे हिंदुस्तान में पहुंच रही होगी। क्यों नहीं, बहुत बार लोगों का ध्यान महलों पर नहीं होता, हम जैसे कैदियों के कारागृह पर होता है। और भान सिंह सोच रहा, ये तो तुम्हारी मूल ताकत, उस ताकत को तुम कमजोरी मत बनाओ। और आत्मघात से क्या सिद्ध होगा, अपने ही सैन्य की हानि। समझ में आ रहा है ना? जाओ, तुम्हें कोई देख लेगा, जाओ। मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिर्जा मिर्जा मिर्जा, ये सब कैसे हो रहा है? आठ दिन हो गए वो बम वाले खाना नहीं खा रहे, काम नहीं कर रहे, ये सब कैसे हो रहा है? हुजूर, ये लोग किस मिट्टी के बने समझ नहीं आता। कुछ काम कर रही है मिर्जा। हुजूर, जो मैंने बताया था उस बड़े बाबू को किसी से बोलने मत देना। जब से आपने बताया वो अंदर ही बंद है। तो उसकी दिमाग की बातें लोगों को कैसे पता चलती है? वो क्या जादूगर है क्या? हुजूर, हुजूर, वो दूसरे बरे के कैदियों ने भी काम करने से मना कर दिया है। मिर्जा मिर्जा, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कौन शामिल है उसे? बैरिस्टर का कुछ करना पड़ेगा। कौन शामिल है इसे? आज देख के रहूंगा बैरिस्टर।
खाना छोड़ा है ना? हाँ, क्यों रे? मेरे खाने में छिपकर ली थी। तो क्या हुआ? मैं शाकाहारी हूँ। मैं शाकाहारी हूँ। मिर्जा साहब शाकाहारी है। मेरे जेल में शाकाहारी भोजन चाहिए। मिर्जा साहब के शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करो। महिले की बाल्टी लेके आओ। जाओ। God save the queen. God पकड़ रहे। God save the queen. छोड़ मुझे। God save the... जाने दो मुझे। छोड़ मुझे। जान दो। बड़े बाबू कौन? मुझे नहीं पहचाना? जी हाँ, लेकिन तुम तो छूट गए यातनाओं से, आजाद हो गए। क्यों? थोड़ा धीरज रख। क्या करे ऐसे धीरज का बड़े बाबू, उस दिन सुबह से कोलू चलाते चलाते बदन लकड़ी जैसा हो गया था, चक्कर आ रहे थे, ऊपर से उस बेरहम वार्डन की गालियां। दोपहर के खाने के समय किसी अफसर ने वार्डन से कहा, इसकी हालत बहुत ही खराब है, इसे थोड़ा सा चावल ज्यादा परोसना। तब वो हमदर्दी सह नहीं पाया, चीखने का मन कर रहा था, लेकिन चीख बाहर ना निकल पाई, इससे खुद का गला ही घोंट लिया मैंने। लेकिन ये सब नहीं बड़े बाबू, मान हानि से कई गुना बेहतर है मौत। देखिए मुझे, देखिए बड़े बाबू, मैं कितना खुश हूं। मैं कब से कह रहा हूं आपसे, आप क्यों नहीं सोचते बड़े बाबू? मृत्यु के बारे में अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई, अब मुखौटे भी पहन कर आने लगे क्या? और ईमान हानि का डर किसे जता रहे हो? मुझे? स्वदेश के लिए प्राण का त्याग करना जैसे कर्तव्य है, उसी तरह मान का त्याग करना तो परम कर्तव्य। बैरिस्टर, 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 ये सब तुम कब रोकोगे? क्या सब? तू मेरे जेल में आया तब से शुरू आए वो, आज तक इस बैर की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था, अब हड़ताल होने लगी। इन बकरियों के शेर कैसे बन गए? तेरी वजह से
ऐसे लगता है, ऐसे लगता है एक-एक को बेत लगाने चाहिए। वंदे मातरम। निकोपा, हाराय कोड़े, सलाद नसा लौंडा, फटकड़ी में खड़ा किया तो फटकड़ी तोड़ दी, किला तो और तरह दिखता है, अब खा रहा है फटके मार, मार साले मार, 30 कोड़े मार कर थक गया, मार। देखा? घमंड। आपको क्या लगता है बैरी साहब? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? इंदू ने मेरी वजह से आत्महत्या की? उल्लास्कर मेरी वजह से पागल हुआ? नहीं। आप जो यात्राएं यहाँ पर कैदियों को दे रहे हो ना, उनकी वजह से कैदी पागल हो रहे हैं, मेरी वजह से नहीं। बैरिस्टर हुजूर, हुजूर, यार सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको बुलाया है। इतनी रात को? साहब बहुत गुस्सा में है। बैरिस्टर, ये जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाभी, एक गजल सूझ रही है, सुनाओ। यही पाओगे महशर में, जुबा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूं, यह हिंदोस्तां मेरा, रक्त हिंदी जात हिंदी ठेठ हिंदी हो, यही मजहब यही फिरका यही खानदान मेरा। लेकिन बड़े बाबू, ये सब कविताएं यहाँ कारागृह में कैसे सोचते आप? सावरकर, आपका परिचय? मैं पंजाब का परमानंद, गदर पार्टी का काम करते हुए पकड़ा गया और इतने आया सी। यहाँ आते वक्त एक ही खुशी थी, आप मिलोगे, आपका दर्शन होगा, और वो हुआ। आप पहचानते हो मुझे? अरे आपको कौन नहीं पहचानता, सारे यूरोप में तो आपके ही नाम की धूम है। हमने आपके कोलू चलाते हुए चित्र बनाकर सारे यूरोप में बांट दिए और अंग्रेज सरकार झुक गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंडमान में दी जा रही यातनाओं की बहुत बड़ी चर्चा हुई है। बैरिस्टर, ए कौन है रे तू? मेरे सामने ठीक से खड़े रहना। माँ बाप ने ठीक से सिखाया नहीं क्या? बाप किसका निकाला? तेरा। तेरी बाप। पकड़ो उसे। चलो बैरिस्टर, आपसे रेजिनाल्ड क्रेडा कह रहे हैं, वो वर्ल्ड लीगल काउंसिल के होम मेंबर है, गृहमंत्री, तो उनके सामने जरा संभाल के। यस मिस्टर बैरी। सर, मिस्टर सावरकर। तो ऐसे बोलिए मिस्टर क्रॉक। भान सिंह की मौत के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए मिस्टर सावरकर, भान सिंह के मौत के बारे में आपने जो कुछ पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, इसका क्या? वो सब झूठ है। किसने कहा? आप कैसे कह सकते हो कि उसे टॉर्चर करके मारा गया? क्योंकि वो खुद ब खुद ऊपर से नीचे नहीं गिर सकता, इसलिए। वेल आई वाज टोल्ड वो चक्कर आकर गिरा।
आपने अपनी आंखों से ना ही देखा था, फिर ये सुनी सुनाई बातें किस काम की? आपने आपकी आंखों से देखा? आपने भी आपकी आंखों से नहीं देखा तो फिर आपकी बातें भी सुनी सुनाई हुई ना? देखिए क्रेडॉक साहब, जब यह घटना घटी तब आप दिल्ली में थे, लेकिन मैं यहां एक दीवार पार हूं और इसीलिए मेरी जानकारी ज्यादा विश्वसनीय है। बैरिस्टर, यह इंफॉर्मेशन मुझे जेल अथॉरिटीज ने दी है। मुझे राजनीतिक बंदियों ने दी है और यहां के इन ऑफिसर्स से ज्यादा विश्वसनीय है वो। इस बारे में आपसे उलझने में कोई मतलब नहीं। टेल मी, आपकी माफी की अर्जी? मैंने कोई माफी की अर्जी नहीं की। तो क्या किया है? माफ कीजिए बैरी साहब, लेकिन मैंने एप्लीकेशन में जो कुछ लिख के दिया है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाला इंसान समझेगा। आए ना आपके साहब, पूछिए इनसे। मैंने इसे कहा लिख कर दिया है कि मुझे माफ किया जाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्यों क्रेडॉक साहब? मैं यही आपसे बात करना चाहता हूं। बैरिस्टर, आपके एप्लीकेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यू हैव नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस एट ऑल। ना तो आपको कोई पछतावा है, ना आप कोई प्रायश्चित करना चाहते हो। पछतावा? प्रायश्चित क्यों? ये सब आपकी वजह से करना पड़ा है हमें। बिना कारण शस्त्र नहीं उठाए हमने। ये शांति का मार्ग आपने हमसे छीन लिया, इसलिए ये सब करना पड़ा। क्या चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट? स्वतंत्रता। बैरिस्टर, तो आप मुझे दे नहीं सकते, पता है मुझे। यहां पर हमें राजनीतिक कैदियों का दर्जा चाहिए या फिर सामान्य कैदियों के अधिकार? क्यों क्रेडॉक साहब, आपका ही तो रूल है कि यहां पर कैदियों को 6 महीने के लिए आंदमान के अंदर के जेल में रखा जाए और उसके बाद उन्हें बाहर के जेल में रखा जाए, सही या गलत? Well, yes. तो आपके ही रूल फॉलो नहीं करते। यहां पर राजनीतिक कैदियों को अमानवीय शिक्षाएं दी जाती है, सालों साल उन्हें अंदर रखा जाता है, हमें सामान्य कैदियों के अधिकार तक नहीं मिलते। तो फिर एक काम कीजिए ना, हमें भारत में या ब्रह्मदेश के किसी तुरुंग में भेजिए। Let me think about it, barrister. Let me think about it. But tell me, ऐसा अगर किया भी तो उसमें आपका क्या फायदा? वैसे रहोगे तो जेल में, फिर करोगे क्या? ये क्या करेंगे? राजद्रोह फैलाएंगे, युवकों का माथा भड़काएंगे। कैसे? बैरी साहब, आप तो वाकई में अंतर्ज्ञानी हो। नहीं तो मेरे दिल की बात आपको ऐसे कैसे पता चलती? आगे जाकर कोई चोरी कर लेगा ये सोचकर अभी उसको कैद करना, ये कौन सा कानून है? देखिए, मेरी यहां से रिहाई सही है आपके ही नियमों के मुताबिक, क्योंकि पिछले 5 सालों में मुझ में इस कारागृह में एक भी केस दाखिल नहीं, पूछे इनसे। बैरिस्टर, केस दाखिल न होने का मतलब ये तो नहीं कि आपने कोई गुनाह किया ही नहीं, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ गुनाह किया है। देखिए मुझे जो कुछ कहना था वो मैं गवर्नर जनरल से लेकर सबको बता चुका हूं। अगर समाज में और राज्यकर्ताओं में कुछ सुधार हुए और उसका फायदा अगर मानव जाति के हित के लिए हुआ तो हम भी शांतता और वैध तरीके से हमारा देश ही देखेंगे। लेकिन क्या करें, ये शांति का मार्ग आपने हमसे छीन लिया, इसलिए शस्त्र उठाने पड़े। इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मुझे जो कुछ लिख के देना था मैंने लिख के दिया है। अब मेरी मांगे आप पूरी कर सकते हो या नहीं ये बताइए। आपके लिए एक बात बता दूं, यहां पर राजनीतिक कैदियों का प्रक्षोभ बढ़ रहा है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ताकत और शक्ति के बलबूते पर आप हमें रोक सकते हो तो आप गलत हो, क्योंकि आपके पास अगर शक्ति ताकत है तो हमारे पास साहस और हिम्मत है। हम क्रांतिकारियों ने क्या हिम्मत वाले कृत्य किए ये याद कीजिए। और एक बात, अगर इसके बाद यहां पर एक भी क्रांतिकारी के खून का कतरा बहाना तो हम रक्तपात करेंगे। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। यू विल लीव बैरिस्टर, लीव। चलिए सर।
No, Mr. Barry, no. I don't want to listen to you at all. मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तक आपने जेल में जो कुछ किया है, उसकी वजह से इंग्लिश रूम की कितनी बदनामी हो रही है, जानते हैं आप? But sir, ये सब मैंने उन कैदियों को सबक मिलने के लिए ही सब किया था। Who the hell are you to teach them? हम पार्लियामेंट में गप्पे हाँकने नहीं जाते। पूरे वर्ल्ड में क्रूर अमानुष इनह्यूमन के निंदा हो रही है ब्रिटिशर्स की। Do you know that? और खास इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा है। पूरे वर्ल्ड में पिछले 20 सालों में कभी ये खबरें बाहर नहीं गई, अब कैसे जाने लगी? Haven't you noticed, Mr. Barry? अब आपकी जेल में सावरकर है। देखा ना है कितना स्मार्ट है? He's not only smart, he's a well-read man. पूरे वर्ल्ड के रिवोल्यूशनरी युग का आइडल है वो। But sir, मैंने सबसे ज्यादा उसे ही रिस्ट्रिक्ट किया था। वो एक खत भी ना लिख पाए, इसलिए मैंने उसे कागज का टुकड़ा भी नसीब नहीं होने दिया। वो पागल कील से दीवारों पर कविताएं करता रहा। नो 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 मिस्टर पैरी, वो पागल नहीं है, उसने आपको पागल बनाया है। British Secret Service के रिपोर्ट्स देखे आपने? Have you read them? No. मैडम कामा और उनके साथियों के साथ वो संपर्क में है, उनका पत्र व्यवहार शुरू है। आपने उसी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया, तो उसके खत यहां से लंदन तक कैसे पहुंचे हैं मिस्टर बैरी? वेट वेट, लेट मी टेल यू, यहां जैसे कई कैदी आए, वैसे कई भाग्यशाली कैदी यहां से छूट कर बाहर चले गए, उन सारे कैदियों ने सावरकर के पोएम्स, सावरकर का लिटरेचर रखकर बाहर पूरी दुनिया में फैला दिया। Can you imagine? Idiot. Oh my God. But sir, अभी उसने अर्जी में लिखा है ना, दूसरे कौन से जेल में भेजो, तो भेजते हैं ना इंडिया, नहीं तो ब्रह्मदेश में। मिस्टर बेरी, जो बात समझने की आपकी औकात आई है, वहां आपका ये यूजलेस दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्या लगता है आपको? What do you think, Mr. Barry? What do you think? सावरकर अपने यूरोप में बैठे हुए दोस्तों को अपना खुशहाली का खत लिखते हैं? No, 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 not at all. How stupid and fool you are. सभी ने सावरकर को छोड़ने के प्लान्स किए हैं। By the way, Mr. Barry, कुछ दिन पहले अंडमान में एक जर्मन वॉरशिप दिखाई दिया एंडर नाम का। Are you really aware of this? Yes, sir. Very well said. वैसे ही सावरकर के दोस्तों ने उसे छुड़ाने के लिए अरेंज किया था। What? Yes, yes. कोई राजबिहारी बोस नाम का हेड था इस कॉन्स्पिरेसी का। Fortunately, British Navy got a success to destroy the warship. Otherwise, what would have happened, God knows, and that's why I say, सावरकर को इंडिया में या कहीं और जगह भेजने की बजाय यही अंडमान में बंदोबस्त में रखना ज्यादा एडवाइजेबल होगा। Did you get that? Yes, sir. Good. Oh my God. This Savarkar is not a deep or dangerous. He's a deep or devil. But sir, Savarkar एक नृशंस हत्या रहा है। He's a brutal murderer. ऐसा हम कहते हैं, Mr. Barry. ऐसा हम कहते हैं। कई कैदियों ने उसकी देखा देखी अब तो चाल चलन सुधारा है, गलत आदतें छोड़ दी है, अपने दी हुए इन सजाओं को भुगतते भुगतते कई कैदियों को उसे साक्षर बनाया है। He made a lot of prisoners literate. कई करोड़ कैदियों के मन में उसने देशप्रेम जगाया है। Is that right, Mr. Barry? No, of course. How would you know that? अब क्या समझोगे? ज्यादा से ज्यादा आठवीं कक्षा पास हुआ। Don't look at me like this. Let me handle it on my own, Mr. Barry. सावरकर के बारे में जो रिपोर्ट्स बनेंगे वो मैं बनाऊंगा। I will prepare the reports as a clear. Yes, sir. Well said. But sir, क्या आप उसे छोड़ दोगे? तो बिल्कुल नहीं। उसे ना छोड़ा जाए, यही तो मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन कुछ साल के बाद उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और इंडिया में उसे छुड़ाने के लिए इंडियंस ने बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया है। 75,000 साइंस हैव बीन टेकन ऑन लिटिगेशन, मिस्टर बैरी, डू यू नो दिस? एनीवे, मिस्टर बैरी, और कोई बकरा खड़ा ना हो, इसलिए मैंने आपको
कैदियों के खाने में सुधार लाने का ऑर्डर दिया था. व्हाट इज द स्टेटस मिस्टर बैरी? इट्स इन प्रोसेस सर. एवरी टाइम व्हेन आई आस्क यू द स्टेटस यू से इट्स इन प्रोसेस. बेटर यू स्पीड अप द प्रोसेस एंड यू मे लीव नाउ. बट सर, गेट लॉस्ट मिस्टर बैरी, गेट लॉस्ट. रीड इट. अधूरी जानकारी है. अगले 5 सालों तक मैं कोई राजनीतिक काम नहीं करूंगा, ऐसा मैंने लिख के दिया है. और उसके बदले में यहां के राजनीतिक कैदियों के रिहाई की मांग की है. लेकिन अंडमान से मुक्तता पाने के लिए ये सब कुछ नहीं बाबा. ये तो सिर्फ मैंने भारत भूमि पर जाने तक ही लिख के दिया है. मतलब खटासी वावे खट, उद्धटासी उद्धट, खटनटासी खटनट, आगत्य करी जैसे को तैसा. लेकिन देखने वाले यही कहेंगे कि हमने हमारे वचन का पालन नहीं किया. और फिर यहां से बाहर निकलने के बाद हमारे ही कुछ लोग तुम्हें सजा से डरकर अंग्रेजों की माफी मांगने वाला डरपोक कहेंगे, तो वो हम कैसे सहेंगे? बाबा, इसी को राजनीति कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है. छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आदर्श, उन्होंने भी अफजल खान से यही कहा था कि मैं डर गया. औरंगजेब का फरमान तो उन्होंने सरमथे लगाया था. तो वो देशद्रोही नहीं हुए, ना उन्हें कोई देशद्रोही कह सकता है, क्योंकि उन्होंने ये सब शत्रु को परास्त करने के लिए किया था. बाबा, मैं मानता हूं कि अंग्रेजों की इन शर्तों को मंजूर करना तकलीफदायक है, लेकिन इसी वजह से मन बैरिस्टर सचिंद्र. वंदे मातरम. वंदे मातरम. बाबा, यह है सचिंद्रनाथ सन्याल जी. उत्तर भारत में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया. लाहौर बम विस्फोट में ये दोषी पाए गए, इसलिए फांसी की सजा सुनाई थी इन्हें. वो आजीवन कारावास में बदल गई, इसलिए यहां आ पहुंचे. और बाहर भी जा रहा. वाह. हाँ सौद, आपके आवेदन और हमारी हड़ताल की वजह से हम सब बाहर जा रहे हैं. लेकिन एक बात मन को खाई जा रही है. कौन सी बात? सावरकर, इस आवेदन में हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी भी कृत्य में सहभागी ना होने का वचन दिया है. लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? तो क्यों करना है ऐसा? मतलब? मतलब उस अर्जी का यहां से आंदमान से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करो, और भारत में जाकर तुम्हें जो करना है वही करो. और आपने जो लिख कर दिया उसका क्या? वो उन्हें पढ़ने दो. सचिंद्र, देखो, हम क्रांतिकारी कर रहे हैं और उसके लिए अंग्रेजों की इजाजत चाहिए. नहीं, हमने पिस्तौल कहां छुपाया है, गोला बारूद कहां छुपाया, ये उन्हें जाकर क्यों बताना है? बिल्कुल नहीं. देखो सचिंद्र, देश को अगर स्वतंत्र करना हो तो यहां सड़ने से कुछ नहीं होगा. जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा और क्रांति की मशालें जलानी होगी. पर सावरकर, हम सब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपको कोई छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा. तो करेंगे भी नहीं. पर सावरकर, सुनिए मेरी बात, आप जाइए, आप जाकर अपना काम शुरू कीजिए. ठीक है.
सचिंद्र, अपने संगठन का नाम क्या बताया आपने? गदर पार्टी। लेकिन अब सोच रहा हूं युवाओं को आकर्षित करने वाला नाम रखो। जैसे अब युद्ध करना हो तो आर्मी चाहिए, न्याय के लिए लड़ने वाली आम जनता की आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। कैसा लगा नाम? बिल्कुल सही सोचा है। दर्शन, निकलता हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तात्या, इस राजनीति का काफी ढंग से अध्ययन और चिंतन किया है तुमने। अब कोई कहेगा मुझे देशद्रोही? नहीं, जैसे सूर्य पे काला दाग ढूंढना कठिन है, वैसे ही मेरे विनायक के धवल चरित्र को कलंकित करना नामुमकिन है। बैरिस्टर, मैं आई कमिंग। आप जेलर हो, दरवाजा खुला है, पधारिए। मेरी भी काला पानी की सजा खत्म हुई। गुड, नाउ आई एम रिटायर्ड। गुड, जल्दी आयरलैंड लौटूंगा। दैट्स इवन बेटर। सावरकर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछे, बैठे, इतना ही होता है यार, बैठे। मुझे जाते वक्त हिंदुस्तान के रास्ते से जाना पड़ रहा है, और कल मेरे दोस्त मुझे कुछ बता रहे थे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज अफसरों को मारने का सत्र जोरों पर है। जी हाँ। नहीं नहीं भाई, घबरा रहा हूँ, ऐसे मत समझ। नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई साहब, जितना मैं जानता हूँ, हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के पास बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा होता है गोला बारूद के लिए। अभी इतना महंगा गोला बारूद वो चिड़िया कौवे मारने के लिए तो इस्तेमाल हो गया। आप निश्चिंत जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं निकलता हूं। सावरकर, मेरी बेटी क्रांतिकारियों की प्रशंसक है, वो आपकी भी पूजा करती है। आपकी और उसकी मुलाकात कब होगी ये मुझे पता नहीं, पर मैं मेरे पोते पोतियों को जरूर बताऊंगा कि अंडमान के चारों ओर फैले हुए समंदर की तरह अनादि और अनंत व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। सावरकर, आप उसे मेरे गुनाहों के लिए माफ करेंगे ना? बैरी साहब, क्षमाशीलता ये हमारे हिंदू धर्म का मूलभूत अंग है, और मरणांतानि वैराणि ये हमारे जीने का तरीका। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लगाइए। जयोस्तुते। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पते शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं
यशो युताम बनते हैं। मिस्टर सावरकर। यस। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। व्हाट? आपके और आपके बड़े भाई को इंडियन मेनलैंड जेल में शिफ्ट किया जाने वाला है। ये वाकई में गुड न्यूज है। इंडीड। लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ मत कीजिए। हम आपको केवल शिफ्ट कर रहे हैं। आपके 50 साल की सजा माफ नहीं की गई अभी तक। जानता हूं मैं, लेकिन अभी इसके बाद मैं मेरी भारत भूमि में सांस ले सकता हूं, यही काफी है मेरे लिए। और हां, बाकी का देखेंगे। बैरिस्टर, सो पॉजिटिव यू आर। खैर, जल्द ही आपको ले जाने का बंदोबस्त करें। चलता हूं। थैंक यू। टेक केयर। बाबूराव सावरकर, लक्ष्मीकांत संसगिरी,
इंद्रभूषण रॉय शार्दुल अप्पे। दोस्तों, ये नाटक का मुख्य नायक और उसका अस्तित्व, उसका आगाज हमें समझ में आता है उस नाटक की खलनायक की वजह से। इस नाटक में दिखाए गए क्रूर खलनायक डेविड बैरी की भूमिका निभाई है सुयश पुरोहित ने। साथ ही साथ इस नाटक में और एक महत्वपूर्ण खलनायक है मृत्यु। अपने जबरदस्त आवाज और अंदाज में यह भूमिका निभाई है जयेंद्र मोरे। आखिर में अब उस कलाकार का आपसे परिचय कराना चाहूंगा जिसने इस नाटक में स्वातंत्र्य वीर सावरकर की बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्वागत कीजिए हरीश दुधाड़े जी का। और नाटक की प्रकाश योजना समाधि है गुरु और अक्षय। दोस्तों, अंडमान के इस इतिहास के पन्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है लेखक और निर्देशक दिग्पाल लांजेकर। इस नाटक का निर्माण किया है स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक और अनामिका इन संस्थाओं ने। फेसबुक पर इस नाटक का मृत्युंजय सावरकर - मराठी नाटक नाम से पेश है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर इसके ऊपर दें, जो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगा कि नाटक निर्माण के दरमियान उन सभी क्रांतिकारियों का अभ्यास करने, अध्ययन करने का हमें सबको अवसर मिला। हमारा ये प्रयास अवश्य रहेगा कि उन क्रांतिकारियों ने जो भी यातनाएं सही है, कष्ट सहे हैं, उनको इस नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से हम देश के विभिन्न राज्यों तक ले जाए, लोगों तक और खासकर युवाओं तक पहुंचा सके। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इस नाटक में काम करने वाले हम सभी कलाकार जब जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, तब हाय हेलो बाय ऐसा कुछ नहीं कहते। आप सभी से आज अलविदा लेते समय भी हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में आनंद श्रीवास्तव जी पधार रहे हैं, रंजीत सर उनका concluding remarks to make after watching this play. For communists, history is not just a tool for revealing something favorable for their good, but concealing truths bitter to them. This is passed off as an academic exercise. ABVP condemns such an exercise as an academic and political untouchability of communists and their historians through this play, Hey Mrityunjay. Now I would like to thank रंजीत सावरकर जी, राजेंद्र वराडकर जी, निधि त्रिपाठी जी, संगीता अलमाटी जी, अनमंजरी मरोट जी फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल रिसोर्सेस बी टाइम और मनी और एंड मोर देन एनीथिंग एल्स योर इमोशंस फॉर दिस प्ले। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक President Durgesh Kumar, President of ABVP Durgesh Kumar and Secretary of ABVP Mani Changit ji and to every activist of ABVP for making this play a grand success. I would also extend my heartfelt thanks to Swatantrata V. Savarkar Rashtriya Smarak aur Anamika and the lead actor Harish Dudade ji and his entire team for making the performance of this play so lively. Last but not the least, I would also like to extend my thanks to all the respected teachers and my dear student friends for being patient spectators throughout the play. Thank you one and all.